A very good morning to all of you and welcome to our YouTube channel WSBCC Classes. फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं जन जागरूकता श्रृंखला 8। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने 7 डाला है, तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसका प्लेलिस्ट आपको हमारे जो है YouTube चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पर बात करने वाले हैं 3 समानों को तय करने की प्रक्रिया क्या है, तो इसके बारे में जानेंगे, जो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेने से पहले हमारे चैनल पर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। रही बात लेटेस्ट अपडेट की, तो ये दो अपडेट तो आपको एक इवनिंग में 7:30 बजे प्रोवाइड की जाएगी, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर का होगा सॉल्यूशन। और यहाँ पर ये जो है ये प्रैक्टिस सेट है आपका साइंस का, मैट्रिक वालों के लिए ये दोनों है, ये 3 बजे आपको आएगा। तो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर है बिहार BTSC और PRD से और LRC से एक बहुत बड़ी लेटेस्ट अपडेट देखने को मिल रहा है पटना हाईकोर्ट की तरफ से, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा। उसके बाद मैट्रिक का जो है ट्रिगोनोमेट्रिक का, अभी तक आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए इस वीडियो को। और शिक्षक नियोजन से रिलेटेड एक अपडेट मैंने दिया था कि 8 विषयों में एक भी शिक्षक अभ्यर्थी नहीं मिले, तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को। उसके बाद जो है साइंस का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्द से जल्द देख लीजिए। तो चलिए बात कर लेते हैं जन जागरूकता श्रृंखला 8 के बारे में कि क्या है इसमें। जी हाँ, तो ये देखिए जन जागरूकता श्रृंखला आपका 8 हो गया। यहाँ पर 3 समानों को तय करने की प्रक्रिया क्या है, तो ये हेडिंग है कि 3 समानों जो होगा ट्रांजेक्शन को जो है किस तरह निर्धारित किया जाएगा। तो यहाँ बोल रहा है प्रत्येक राजस्व ग्राम एवं बंद चौहद्दी के तहत तरह होता है 3 राजस्व ग्रामों की चौहद्दी या सीमा जिस एक बिंदु पर मिलती है उसे ही त्रिसीमाना या 3 सीमाना के नाम से जाना जाता है। मान लिया जाए इस तरह की व्यवस्था हो जो तीनों एक ही बिंदु पर मिलती होगी तो ये क्या कहलाती है, ट्रांजेक्शन, यानी कि 3 समाना कहलाती है। नेक्स्ट बात यहाँ पर बताया जाए 3 समानों की पहचान मापी कार्यों और मानचित्र की शुद्धता का मूलधार है, ऐसा माना जाता है। 3 समानों को फिक्स नियत करने के लिए सबसे पहले सटे हुए यानी कि संलग्न तीनों गांवों में एक एक मुस्तकिल की पहचान की जाती है। 3 विलेज इस तरह अगर अटैच जो है तो इसकी जो है सबसे पहले पहचान की जाती है जो है संलग्न कहाँ पर ये मिक्स मतलब हो रहा है। उसके बाद जो है मुस्तकिल वो बिंदु जिसकी अवस्थिति CS मानचित्र के निर्माण से लेकर अब तक ज़मीन पर अपरिवर्तित है, अर्थात उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। जी हाँ, मुस्तकिल बिंदु वो है जहाँ पर जो है मानचित्र के माध्यम से अपरिवर्तित बिंदु को देखा जाता है, जहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया है। उसके बाद जो है अब तीनों मुस्तकिल से त्रिसीमाने के बिंदु को ठोकर मारकर देखते हैं, अर्थात ETS से ज़मीन पर उसकी दूरी देखते हैं। इसी दूरी को टाई लाइन भी कहा जाता है, तो इस दूरी को क्या कहा जाएगा, टाई लाइन दूरी कहा जाएगा। नेक्स्ट बात है यहाँ पर त्रिसीमाना के समायोजन का कार्य अब तक दोहराया जाता है जब तक कि ग्राउंड डिस्टेंस और मैप डिस्टेंस कंफॉर्मिटी यानी कि एकदम एक समान नहीं हो जाए तब तक दोहराया जाएगा। मानचित्र की शुद्धता के लिए ये अनिवार्य प्रक्रिया है। एक बार त्रिसीमाना बिंदु की अवस्थिति यानी कि लोकेशन नियत हो जाने के बाद DGPS ऑब्जर्वेशन ले लिया जाता है। जी हाँ, इसके माध्यम से, इस मशीन के माध्यम से, DGPS के माध्यम से ऑब्जर्वेशन जो है अवलोकन कर लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट बताया जा रहा है DGPS एक मशीन है जिससे धरातल पर किसी भी बिंदु की अवस्थिति का मान अक्षांश देशांतर के रूप में बिल्कुल शुद्ध पता चलता है। तो एक बात यहाँ पर नई बात समझ में आया कि DGPS एक ऐसी जो है मशीन है जिसके माध्यम से उस बिंदु का लोकेशन पता चलता है और उस बिंदु का अक्षांश और देशांतर के रूप में जो है एकदम शुद्ध पता चल जाता है, कितने डिग्री अक्षांश में कितने डिग्री देशांतर में है, है ना, नॉलेजबल वीडियो। अब देखिए इस अक्षांश देशांतर के मान यानी कि ऑब्जर्वेशन को अवस्थिति बिंदु के फिंगरप्रिंट की तरह समझा जा सकता है, अर्थात धरातल पर के किसी भी दो बिंदुओं का मान समान नहीं हो सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके बाद नए बने मानचित्र में किसी भी दो स्थानों की दूरी और ज़मीन पर ETS से मापी गई उसी दूरी का जो है
समान होना मानचित्र की शुद्धता के लिए आवश्यक होता है। एक बार जब त्रिसीमाना नियत हो जाए तो वह एक पिलर का म्यूटेशन कर दिया जाता है ताकि भविष्य में पहचानने के लिए अलग से मेहनत करने की आवश्यकता ना हो तथा स्थानीय मापी की जरूरत बिना किसी तकनीकी निर्भरता को संपन्न हो जाए। तो इसके लिए ये जो है त्रिसीमाना प्रक्रिया जो है अपनाई जाती है। तो त्रिसीमाना प्रक्रिया आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे, DGPE को भी अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये आपका नॉलेजबल वीडियो होता है तो आप लोग इसे ज़रूर देखा करें सर्वेक्षण के लिए, बिहार विशेष सर्वेक्षण के लिए। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और LRC से पल पल की अपडेट के लिए अभी तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा मतलब जैसे ही कोई नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय।